नमस्कार देशवासियों, प्रधानमंत्री जी ने हमसे 21 दिन के लॉकडाउन की अपील करी है और मेरा मानना है कि हर एक भारतवासी उनके इस प्रयास को अपना पूरा समर्थन देगा। हम लोग घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और वायरस के इस जो कनेक्शन को हम तोड़ डालेंगे और पूरे भारतवर्ष को इस वायरस के खतरे से हम बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूँ कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, आमतौर पे जो जनता है वो उनसे सबक और सीख लेती है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे जिनको मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री जी से शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हम लोग वैसे ही वायरस पे अटैक करने में या काउंटर अटैक करने में काफ़ी लेट हैं। जिस तरह से हमने इंटरस्टेट या इंटरनेशनल जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है उस पर बहुत देरी से रोक लगाई है, बहुत देरी से हमने बसें, ट्रेन्स, मेट्रोज और इन द एंड हमने डोमेस्टिक जो एयर कनेक्टिविटी है उस पर हमने रोक लगाई है। ये काम हमने बहुत लेट किया है। बाहर से आने वाले, विदेश से आने वाले यात्रियों की चेकिंग भी भारत में बहुत लेट शुरू हुई है, जिनकी वजह से कि संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा फैल गया। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं अब भी राजनेताओं से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा का सेशन चलने दिया गया और परसों 24 तारीख को जाके इसे ख़त्म किया गया, उससे पहले तो सारा देश एक दिन का सांकेतिक लॉकडाउन कर चुका था। इस तरह से मध्य प्रदेश में भी कुर्सी हथियाने की जो चाल थी, जो सत्ता की भूख थी, उसके चलते इतने भारी खतरे के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभाली। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोरोना के बाद ये सब हो जाता तो उसमें क्या आफत आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल एक और ऐसा ही उदाहरण यूपी के मुख्यमंत्री ने दिया, जब वो शायद प्रधानमंत्री के आदेश पे अयोध्या पहुंचे और रामलला को उन्होंने खुद अपनी गोदी में उठा के और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और उनके साथ जितने भी 20-25 लोग थे, किसी ने भी कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई मास्क, कोई ग्लव्स कुछ नहीं पहने हुए थे। तो क्या ये जो सारे आदेश हैं लॉकडाउन के, घर से बाहर ना निकलने के, भीड़ इकट्ठी ना करने के, क्या ये सब आम जनता के लिए हैं? राजनेताओं को ये सब इन पे कुछ लागू नहीं होता है? या क्या वायरस को पता है कि ये चीफ मिनिस्टर है तो इसको मैं अटैक नहीं करूँगा? तो मेरा ये मानना है कि राजनेताओं को खुद आगे बढ़ के अपना पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे कि लोग उनको फॉलो करें। ऐसे में एक और सवाल मेरा यहाँ पे है। डॉक्टर्स के लिए हम सब ने तालियां और थालियां जोरों शोरों से बजाई, लेकिन सरकार ने क्या डॉक्टर्स को जरूरी इक्विपमेंट्स, उनके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो सुरक्षा कवच डॉक्टरों को पहनना जरूरी है, क्या भारत सरकार ने उसका प्रबंध कर लिया है या अब कर रही है? इस बारे में पूरा अंधेर बचा हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। 40 करोड़ गरीब लोग हैं, 21 दिन का लॉकडाउन है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था हमने करी है? क्या हम उनको संभाल पाएंगे? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब प्रधानमंत्री जी को या उनकी सरकार के मंत्रियों को या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको देने चाहिए। दिल्ली का उदाहरण हम देख सकते हैं, रोजाना मुख्यमंत्री केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें जो जो स्टेप उठाए जा रहे हैं इस खतरे से निपटने के लिए, उनकी पूरी डिटेलिंग आम जनता के लिए की जा रही है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी देखने में नहीं आया है। मैं ये मौका लूँगा पुलिस पर्सनल्स की तारीफ करने के लिए भी कि कितनी मेहनत की ड्यूटी और कितनी खतरे की ड्यूटी करते हुए वो आम लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। हालांकि कई जगह पे थोड़े से उनके जो मेथड्स हैं वो थोड़े वायलेंट भी हो गए हैं और उनकी निंदा भी हो रही है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि प्रत्येक भारतीय का ये एक कर्तव्य है कि वो ऐसे में अपना योगदान डाले। और देशभक्ति बॉर्डर पे जाके लड़ने में ही नहीं होती, देशभक्ति कभी कभी घर पे रहने में भी होती है, क्योंकि अगर आप घर पे रह रहे हैं तो ना सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, अपने परिवार को, बल्कि आप समाज को भी खतरे से बचा रहे हैं। तो मैं इन द एंड यही उम्मीद करूँगा कि भारत सरकार और ज़्यादा स्पष्ट होगी अपने जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके द्वारा कोरोना के खतरे को रोकने के लिए, और आम जनता, जो गरीब जनता है, उनको भी राहत प्रदान करेगी। धन्यवाद।